Hello everyone, welcome to Satyamaker's Interior Design YouTube channel. Today I'm going to share you about my recently done project which is at Juno. ये project मेरा personal favorite है because ये project में बहुत सारे challenges थे and client was very sure and very clear about his requirement. Client ने मुझे approach किया था मेरे Instagram page थ्रू. उनका ये requirement था कि he was about to get married, he was a gym enthusiastic एंड उनकी टू बी पार्टनर वो भी जिम एंथुसियास्टिक थी. सो बेसिकली उनको अपना बेडरूम रीडिजाइन करना था. सो ये फिनिश्ड क्लास. सो ये उनका प्रीवियस प्लान था. यू कैन सी दिस इज द बेडरूम. यहाँ से एंट्रेंस था बेडरूम के लिए. एंट्री के इमीडिएट सामने उनका वॉशरूम था. फिर दिस वॉज द बेडरूम स्पेस. और करंट लेआउट में आप चेक करोगे तो ये उनका वार्डरोब स्पेस था स्लॉट में विच वॉज हार्डली 4 feet 8 inch. ये यहाँ पे एक विंडो थी एंड करंट लेआउट में उनका बेड यहाँ पे प्लेस था विच वॉज अ सिंगल बेड. सो आप देख सकते हो उनको करंटली सिर्फ वार्डरोब के लिए यही स्पेस था एंड उन्होंने एक उनका वार्डरोब विच वॉज हार्डली 11 इंच का एक स्टोरेज कैबिनेट बनाया था. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट वेरी क्लियर था कि उनको बहुत सारा स्टोरेज स्पेस चाहिए. उनको वार्डरोब ऐसे चाहिए कि उनकी वाइफ और उनका दोनों का सेपरेट स्पेस रहे. अभी ये करंट लेआउट में हम लोग को वो अचीव करना था विच वॉज वेरी चैलेंजिंग. सो अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग ने वो कंसेप्ट कैसे अचीव किया. सो वो अचीव करने के लिए हम लोग ने चेंजेस क्या किए वो आपको बताते हैं. ये प्लान में हम लोग ने ये वॉल ब्रेक किया, ये वॉल ब्रेक किया, ये विंडो वॉल ब्रेक किया. सो उसके वजह से एक कम्प्लीट ओपन स्पेस मिला. वॉशरूम वॉल ब्रेक करके क्या हुआ कि अंदर हम लोग को एक्स्ट्रा वॉशरूम स्पेस मिला. ये वॉल ब्रेक करके हम लोग ने यहाँ पे नीश क्रिएट किया फॉर कैबिनेट्स. सो टू डिफरेंट वार्डरोब, वन फॉर हिम एंड वन फॉर हिज वाइफ. यहाँ पे हम लोग ने स्लाइडिंग प्रोफाइल डोर दिया. एंटर करने के बाद दिस बिकम्स अ वॉक इन वार्डरोब स्पेस. यहाँ पे हम लोग ने मिरर ऐड किया. सो ये ड्रेसिंग कैबिनेट जैसे सर्व किया. दिस वॉज विदाउट शटर्स सो ये ओपन वार्डरोब था. सो यहाँ से एंटर करने के बाद द बेड ऑल्सो हैड अ हाइड्रोलिक स्टोरेज. सो बेड के अंदर भी स्टोरेज था. यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको स्टडी चाहिए था. स्टडी भी प्रपोज अ प्लान विद दी वॉल माउंट स्टडी. और उनको ऐसे था कि उनको खड़े रह के भी काम करना है एंड इन सम केसेस ही वॉन्ट्स टू सिट एंड वर्क. सो हम लोग ने दो फ्लैप दिए थे विच वॉज वॉल माउंट जिसके वजह से ही कैन यूटिलाइज बोथ दी फ्लैप एज अ स्टडी कैबिनेट एज पर हिज रिक्वायरमेंट. ये एंटायर वॉल हम लोग ने टीवी यूनिट के लिए कंसीडर किया. मूविंग हियर, यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने वार्डरोब क्रिएट किया यू कैन सी देयर वाज अ नीश क्रिएटेड हियर. तो ही ऑल्सो गॉट एन एडिशनल स्टोरेज हियर. ये पूरा कैबिनेट बना दिया. हियर ऑल्सो वी एडेड अ मिरर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दोनों भी हेल्थ फिटनेस एंथुजियास्ट थे. सो दिस एंटायर स्पेस This entire space was utilized for the exercise and video recording of content creation. Mirror होने की वजह से it helped us to like elevate the space, also to make the space look bigger. अभी यहाँ पे additional hidden storage भी हम लोग को एक space मिला. As you can see, ये wardrobe थोड़ा बाहर आया है. यहाँ पे overhead beam था तो यहाँ पे हम लोग ने flutes के अंदर भी cabinet दिया है which was hidden. सो ये प्लस एडिशनल स्टोरेज उनको मिल गया. सो क्लाइंट गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन दिस स्पेस. थैंक यू.